तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं किचन में। खाना पीना जो है ना हमारा बन चुका है और आज मैं अपनी किचन साफ़ करने जा रही हूँ अच्छी तरीके से, और फ्रिज सबसे पहले साफ़ करूँगी क्योंकि फ्रिज जो है ना बर्थडे से काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गई थी, तो इसलिए मुझे इसे अच्छे से क्लीन करना था। वैसे तो मैंने पोछा था लेकिन पोछने से उतने अच्छे से साफ़ नहीं होती है जब तक आप साबुन वगैरह से ना धुलो। इसकी जो चिपनाहट होती है ना, जब आप साबुन से धुल दोगे तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है और चमक भी जाती है। तो सबसे पहले सभी जितने इसके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उन सभी को मैं बाथरूम में ला के रख दूँगी। और इसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि ये कांच की होती है, पहले प्लास्टिक की आती थी और अब जो आती है ना वो कांच की आती है, तो उससे थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए वरना ये टूटने का चटकने का डर रहता है। तो इसलिए अच्छे से ही मैं इसको धीरे से ले जाकर बाथरूम में रख दी हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी फ्रिज को पोछूंगी अच्छे से रगड़ रगड़ कर, ताकि जो जितने भी दाग धब्बे इस पर पड़े हैं हाथों हाथ लगते रहते सबके, तो जितना भी हाथ का निशान होता है ना वो सभी इन पर आ जाता है। वो देखिए थोड़े थोड़े से कुछ लगे हैं ना, तो इसी तरीके से पहले मैं अच्छे से ही रगड़ कर गीले कपड़े से पोछूंगी इनको, बहुत ही अच्छी तरीके से पोछना है। और इसके बाद क्या करूँगी, एक सूखा कपड़ा लूँगी उससे मैं मारूंगी, अच्छे से ही पोछूंगी ये देखिए। और जहाँ पर आप बॉटल वगैरह रखते हो ना उसको भी अच्छे से ही क्लीन करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी बोतल जहाँ भी लोग रख देती हैं तो नीचे बोतल के नीचे जो होता है ना, बॉटल के नीचे दाग पड़ जाता है, तो वो हमारे फ्रिज के अंदर भी पड़ जाता है। गला खराब हो रहा है यार, क्या हो रहा है। अब ये जो है हमारा सब्जी रखने वाला, सबसे पहले मैं इसको अच्छे से ही साबुन से धुलूंगी, जिससे हम बर्तन धुलते हैं ना सेम उसी से, बट सॉफ्ट वाले से धुलना है आपको। और एक जो लोहे वाला आता है ना उससे आपको नहीं धुलना ना, अगर आप उससे धुलोगे ना तो वो निशान आ जाएगा स्क्रैच टाइप का, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी कहते नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो कभी कभी खुद ही का दिमाग नहीं काम करता है ना, ये होता कि गंदा उससे रगड़ दो तो साफ हो जाएगा, लेकिन उससे रगड़ने से ना लोहे का स्क्रैच आ जाता है, खिंची खिंची टाइप का हो जाता है। इसलिए जितना हो सके लोहे वाले बर्तन का कम इस्तेमाल करें। जब मैं वही करती हूँ जैसे तेल वगैरह जम जाता है ना, तो तभी मैं करती हूँ। अब बाबू की मस्ती देखिए, बाबू नहा रही है, परेशान कर रही है, इधर से उधर भाग रही है और छुहारा लेकर भी खा रही है। तो जब तक मैं मांज रही थी, ये धुल रही थी, जब तक ये आ गए, तो मैंने इनको बोला कि तुम उठाकर रख दो वहाँ पर, मैं इसको अच्छे से पोछ देती हूँ क्योंकि फ्रिज हमारी सूख रही है, उसको तो मैं पोछ कर ही आई थी। और इसको मैं अच्छे से पोछ दूँगी ताकि पानी का जो दाग होता है ना, अगर आप ऐसे ही लगा दोगे ना तो जो पानी का दाग होता है ना वो लगा लगा सा दिखेगा और गंदा लगेगा। तो इन सभी को पोछ रही थी तो ये बोले कि लाओ पोछ के दे दो, मैं ही लगा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो, और बाबू को देख रहे परेशान कर रहे। ये वाला काम निपटाने के बाद सबसे पहले मैंने इसको नहलाया है क्योंकि इसका जो नाटक है ना वो ऐसे ही लगा रहता है, पानी मिल जाए ना तो बस पानी थोड़ी देर खेलना है फिर बाहर खेलना है। इसके बाद मैं थोड़े से फल बाबू के लिए मैंने मंगाए थे वो रख रही हूँ, अंदर सब्जियाँ हैं उन सभी को इसमें डाल के अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। तो चलिए मैं अंदर दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, चमचमा गई ना। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ बाबू खे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। बाबू क्या कर रहे हैं देख लीजिए, और बाबू नहा चुकी है, सारा काम हो चुका है लगभग। हाँ देख रहे हैं, अब पसीने से तो ये भीगी पड़ी है, ये देख रहे हैं फैन भी नहीं ऑन करने देती हैं। तो सारा काम किचन वाला हो चुका है बाबू। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा काम, वहाँ पे एक रूम था तो काम कर लू कुछ पता ही नहीं चलता था, और यहाँ पे अंदर से बाहर तक इतना ज्यादा पता बड़ा है कि काम करते 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 पता ही नहीं चलता, थक भी जाती हूँ। तो अभी मेरा किचन, हाँ बेटा छिपकली, हाँ कहाँ छिपकली, तो अभी मुझे काम बाकी है, मेरा आधा अधूरा काम हुआ किचन का कंप्लीट हो चुका है। अभी बर्तन निकले हुए हैं और बर्तन के साथ साथ जो स्टैंड होता है गैस का वो निकला है, तो चलते हैं देखते हैं इसके बाद कितना काम हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, करते हैं। और आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है बताइएगा, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। तो चलिए फटाफट से काम और अभी बाकी है निपटा लेते हैं, थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँगी फिर निपटाऊँगी। और जूड़ा मैं इसी तरीके से घर में लगाती हूँ, क्या है छिपकली, छिपकली
तो चलिए थोड़ी देर में अभी काम निपटाऊंगी, उसके पहले देखते क्या करते हैं। थोड़ी देर लेट जाती हूँ ना, कमर बहुत दर्द होने लगती है, काम करते करते बैंड बज जाती है। क्या कर रही हो? अच्छा ये बताइए, आपको सब बोलते हैं कि बाबू मोबाइल कैमरे में, नहीं नहीं बाबू पूछी नहीं देती है, ऐसा क्यों है बताइए, क्यों ऐसा नहीं देती? अच्छा 1 2 कर दो, 1 2 सुना दो, 1 2 सुना दो, आप सबको सुना दो, नहीं नहीं सुना ना। अच्छा बाय कर दो, बाय। मिलते हैं अभी थोड़ी देर से आप लोगों से। जा रहे हैं, थोड़ा सा सोफा गंदा लग रहा था तो मैंने कहा इसे ठीक कर देती हूँ, बाबू खेलती रहती है ना तो गिरा दी है। और जब तक मैं सोफा सही कर रही थी, इनको देखो पीछे से ये क्या करते, अभी आप खुद ही देख लेना इनकी नौटंकी। आप लोगों ने देखा कि ब्लॉगिंग कर रही थी लेकिन ब्लॉगिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि इनकी तो नौटंकी चालू थी। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये 2 दिन का प्याज है क्योंकि प्याज को तो हम धुल नहीं सकते, इसलिए मैं 2 दिन इसको ऐसे ही छोड़ दी थी। और जब मैं इसको रखी ना टोकरी में तो इसमें मिर्चियाँ भी डाली थी, तो मैंने कहा निकाल लेती हूँ, लेकिन जब निकाल रही थी तो नीचे दबी हुई थी, वो निकल ही नहीं रही थी। फिर मैंने इनको फिर से पलटा और सारे प्याज को मैं अच्छे से रख रही हूँ और मिर्चियों को मैंने कहा धुल के धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर ताकि पानी सूख जाए इनका। ऐसी फ्रिज में रख दो ना तो वो फिर सड़ जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं। और अब हम आ गए हैं हमारे जो ये बीच वाली गैलरी है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर मैंने 2 पानी वाली टंकी रखी है भरकर, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब भी पीने वाला बोतल का जो पानी होता है इसी से हम डायरेक्ट निकाल के और फ्रिज में लगा देते हैं। और यहाँ पर नीचे खाना बना हुआ है, रखा उसी टेबल के नीचे जुड़ा हुआ है, उसमें मैंने प्याज और आलू रख दिए क्योंकि किचन में उतनी जगह नहीं है ना। और अब हमने फटाफट से झाड़ू भी लगा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कितना भी आप साफ़ करते रहो ना तो वो गंदे ही हो जाता है। अब हम आ गए हमारे बरामदे में क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्याज व्याज हटाया था ना तो वो काफ़ी मैसी हो गया था, मैंने कहा लगे हाथ इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और जब कहीं जाती हूँ ना तो जूतियाँ वगैरह वो नीचे ही रख जाती हैं और इनको ऊपर रखने का टाइम, और अभी मैं इनको ऊपर रखूँगी, इनका जूता है और ये गए थे गांव ना, तो जब से मेरी जूती और ये जूता दोनों ही नीचे पड़े हैं और ऊपर हमने लगवा दिया है, जैसे कि आप जूता सैंडल कुछ भी रख सकते हो। तो नीचे भी मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कबाड़ हो गया था, तो बस इसी तरीके से झाड़ू मार रही हूँ। और ये कालीन है जो पापा के कमरे में बिछी हुई थी, थोड़ी सी बच गई थी तो उसको भी हमने यहाँ रख दिया कि कोई काम आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया जो हमारे सैंडल वगैरह होती है ना, जूता चप्पल आप रख दो आसानी से, तो बस इसी तरीके से फटाफट से मैं बरामदे में झाड़ू मार ले रही हूँ। 2 बार झाड़ू लग चुकी है तब इसकी ये कंडीशन है, आप देख लो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, आना जाना लगा रहता है ना इसी वजह से।
तो फटाफट से हम यहाँ झाड़ू मार लेंगे। और इसी हाथ ही हाथ मैंने सोचा कि गैलरी में भी मार लेते हैं ना, जो बाहर वाली गैलरी है, क्योंकि धूप लग गई है और अच्छे से सूख गया है ना, वहाँ पे पानी ही पानी हो जाता है ना, और अभी धूप हो गई है, तो मैंने कहा चलो वहाँ पर भी हम झाड़ू मार लेते हैं लगे हाथ। और इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो बर्तन है ना इनको अभी मैं साइड रख दूंगी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है धुलने की। तो मैंने कहा अभी जो स्टैंड होते हैं ना गैस वाले, मैंने कहा पहले उनको साफ़ करके रख देते हैं, इस वजह से, क्योंकि अगर चाय वाय बनानी पड़ गई या कुछ भी करना पड़ गया फिर आप आओ बाथरूम में धुलो, तो इससे अच्छा इनको धुल के लगे हाथ लगा दो, और बर्तन तो बाद में ही धुल जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से धुल लेंगे। और ब्रश भी रख लेती हूँ साथ ही साथ, जब आपके किनारे किनारे जो नहीं निकल पाते हैं ना, जो गंदगी होती है, वो ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे स्टैंड धुल ले रही हूँ और इनको लगे हाथ लगा दूँगी। गर्मी बहुत हो गई है, तो बहुत तेज़ धूप भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, तो बस फटाफट से अब इनको धुल लेंगे और अच्छे से ही इस तरीके से, ये देखिए एक एक करके थोड़ा सा ध्यान से धुलना पड़ता है, क्योंकि ये जो बीच वाले गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये कट चुके हैं। तो चलिए मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर से। मैंने कहा कि आप लोगों से मैं कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सवाल इतने ज़्यादा हो गए थे और मैं भी कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा चलो फाइनली आप लोगों को जवाब दे देती हूँ और आप लोग भी संतुष्ट हो जाओ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी सी गलती होती है, जो मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में नहीं बता पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं मौका निकाल के आप लोगों के सवालों के जवाब अपनी वीडियो में दे दिया करूँगी, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल का जवाब आज मैं देने वाली हूँ कि मैं मेरी दूसरी बेटी को आप लोगों के सामने क्यों नहीं लेकर आती, कैमरे के सामने क्यों नहीं लाती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलती हूँ, क्या है रीज़न कि मैं अपनी दूसरी बेटी को आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती हूँ, पहली बेटी को दिखाती हूँ। कुछ तो नॉर्मली जिन्होंने पूछा अच्छे से, तो मैं उनको नॉर्मली अच्छे से जवाब दे दी, लेकिन जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वैसे तो पता नहीं क्यों अगर मैं वीडियो किसी पर बनाती हूँ तो उस पर ये बात उठती है कि आप ये मतलब पर्सनल मैटर या जो भी हो, आप ये बातें क्यों रखते हो, जब आप लोगों की तरफ से, ये बताइए, जब आप लोगों की तरफ से सवाल उठते हैं, सवाल आप लोग पूछते हैं, तो उसका जवाब मुझे देना ही पड़ता है। अगर आपके एक कमेंट हो, दो कमेंट हो, तीन हो, तो उसके तो हम जवाब देते। अगर आपके वही सेम कमेंट अगर आपके 50 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, आज आपने वीडियो देखी मेरी, मैंने वीडियो डाली, 10 कमेंट आए, 20 कमेंट आए, 50 कमेंट आए, ठीक है, 520 आए, 320 आए, 200 आए, ठीक है। उसके बाद कल मैंने दूसरी डाल दी, आप दूसरे वालों पे दूसरी वीडियो को देखोगे, दूसरे कमेंट के दुखोगे देखोगे, लेकिन जो हमारा कल की वीडियो थी ना, वो तो लोगों के पास जाएगी ही ना, उनके सवाल तो हमें आते ही रहेंगे, हमें Y2 स्टूडियो पर मिलते ही रहेंगे ना। तो आपको लगता होगा कि दी आज की वीडियो में तो ऐसे कमेंट आए नहीं, तो आज की वीडियो में नहीं, हमारी वीडियो चलती रहती है तो उसके कमेंट भी आते ही रहते हैं। तो आप बताओ कि वही सेम चीजें हम परेशान हो, वैसे तो मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन अगर एक ही कमेंट बहुत ज़्यादा आता है तो मैं यहाँ पे भड़कने वाली नहीं हूँ, नॉर्मली तरीके से मैं जवाब दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा वैसे भी वीडियो लंबी हो गई, तो जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला सवाल उठ रहा था कि हाँ, आप अपनी बेटी को क्यों छुपा रही हो, दूसरी बेटी को आप अपने कैमरे के सामने क्यों नहीं लेकर आती हो, आप झूठ बोलते हो, हाँ, और आप बोलते हो कि वो कैमरे के सामने नहीं आती है, आप खुद ही उसे नहीं दिखाना चाहते हो, पापा से ले लूं, तो आप उसे नहीं दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं डियर कि मेरी एक ही बेटी है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और जो आती थी वो मैंने कई बार बताया, कई लोगों को जवाब दिया कि वो मेरी यानी कि मैके वाली बड़ी दी है, नीलम दी है, उनकी लड़की है, उसका नाम है प्रियांशी, जिसको प्यार से मन्नी बोलती है, तो वो मेरी बेटी नहीं है डियर, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोला करिए, हर्ट होता है। कुछ लोग तो प्यार से पूछते हैं तो प्यार से जवाब देने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो इस तरह की कमेंट करते हैं, तू अपनी बेटी को दिखाना नहीं चाहती है, तुझे शर्म आती है उसे दिखाने में, क्यों नहीं दिखाती है, क्यों नहीं उसे कैमरे के सामने लेकर आती है, तू झूठ बोलती है, कहती है मेरी एक ही बेटी है, कभी कभी दो बेटी दिख जाती हैं, जब सब बोलते हैं तो तू बोलेगी कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, तो किले आई थी जो वो चली गई, इसीलिए वो आ जाती थी, जब मैं उसके सामने कैमरा ले जाती थी तो वो बोलती थी मौसी अभी मत दिखाओ, अभी मैं ये पहनी हूँ वो पहनी हूँ, तो वो मना कर देती थी, इसलिए नहीं, लेकिन कभी कभी तो वो खुद ही आकर खड़ी हो जाती थी। तो बस यही चीजें हैं। तो मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम है प्रिया, जिसका नाम है क्या
बाबू प्रिय ज्योति का जिसका नाम है, और ये अभी 3 साल की है। अभी अगस्त से जब हमने इसका बर्थडे किया था, लिंक में दे क्या यार, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे, है ना। उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग समझ जाओगे। तो बस आज के ब्लॉग का एंड यही करते हैं और मिलते अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर कोई भी बातें बुरी लगी हो तो प्लीज उसके लिए सॉरी।